मुरादाबाद में बहने वाली रामगंगा में उफान के चलते गांवों और खेतों से बाहर निकलकर नैनीताल हाईवे पर आया बाढ़ का पानी। पानी का बहाव तेज होने के कारण हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को सता रहा है डर। हाईवे पर जाम की स्थिति बनी, सड़क कटी, पेड़ भी गिरे। रामगंगा के किनारे के गांवों व बस्तियों में भी घुसा बाढ़ का पानी। पुलों पर से बाढ़ का नजारा देखने वाले लोगों की लगी भारी भीड़। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने पुल पर मौजूद लोगों को भगाया। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते मुरादाबाद की रामगंगा नदी में उफान आ गया है। रामगंगा के आसपास के गांवों और खेतों में रामगंगा की बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे पानी मुरादाबाद से लगभग 5 किलोमीटर दूर थाना सिविल लाइन की सीमा के अंदर ही खेतों के अंदर से निकलकर बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ नैनीताल हाईवे पर आ गया, जिससे वहां से गुजरने वाले वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया। पानी के तेज बहाव को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ बड़ी धीमी गति से वाहनों को हाईवे से निकाला जा रहा है, जिससे वहां पर बार बार जाम की स्थिति बन रही है। पानी के तेज बहाव से पेड़ गिरे हैं, कई जगह से सड़क भी कट गई है। सुरक्षा की दृष्टि से वहां रेत के बोरे रख दिए गए हैं। पानी के बहाव से मील का पत्थर भी सड़क से उखड़कर बह गया है। हाईवे पर मौजूद पास के गाँव के निवासी के अनुसार पिछले 3 दिनों से रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उसी के चलते बाढ़ का पानी पहले जंगलों और खेतों में आया और आज नैनीताल और रामगंगा को जाने वाले इस हाईवे पर आ गया। पानी का बहाव बहुत तेज है, जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है। इस इलाके के लगभग 1 दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यदि इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो बड़ी समस्या आ जाएगी। वैसे तो हमारे इन गांवों में बाढ़ हर साल आती ही है। क्या नाम है आपका? आज मोहम्मद नाम है। आज मोहम्मद, यहाँ कौन सा रोड कहलाता है? ये जो बहुत रोड है, यहाँ से कहाँ के लिए? नैनीताल के लिए? नैनीताल खटपाद्वारा रामनगर, यानी कि ये रोड पे पानी है। कौन सी नदी का आ रहा पानी? पानी रामगंगा का पानी है। कब से आ रहा है ये? परसों से भर रहा पानी। कल से तेज हुआ पानी। बारिश का पानी है या बाढ़ का है? बाढ़ का पानी है। बारिश से क्या हो जाए, बाईस के तो कई दिन हो गए। कितने गाँव इस पानी से प्रभावित होंगे, परेशानी होगी? काफी गाँव है, ये कोई अन्याय ला सकते हैं। जो रोड के किनारे गाँव, नदी के किनारे, उन पे आते पानी, लगभग गाँव में पानी पहुंच के आएगा, उसके बाद ही रोड पे आएगा। पानी है सामने में, पानी हो चुका पानी है। मोहम्मदपुर कितने गाँव होंगे उसमें पानी है? कितने दिनों का पानी को? लगभग 3-4 दिन से पानी है यहाँ पर। अच्छा, आज पानी बढ़ रहा है घट रहा है? आज तो पानी बढ़ रहा है, दो तीन दिन से लगातार पानी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब समस्या और बढ़ सकती है। गाँव में पानी घुसने वाला है, रोड पुल बना रखा था आपके बाद में, वो कट गया था रास्ते में से, आधा पानी कट गया वहाँ पर। कितनी दूर है वो पुल यहाँ से? पास नहीं है, सामने का चौराहे जाना है, ये गांव पार करके वाला, इसके बाद जाना है। अगर पानी घुसेगा गांव में फिर क्या, कहाँ जाएंगे सारे लोग? सब अलग सब जाएंगे, कहाँ ऊँचा होगा, ऊँचे पे चले जाते हैं। धर्मशाला बनी। अच्छा, पहली बार पानी आता रहता है यहाँ? तो हर साल आता है, कोई साल खाली हो जाता है। तो कोई ऐसी पक्की बंदोबस्त नहीं हुआ यहाँ पे कि पानी ना आए? कुछ नया कार्य नहीं होगा। अच्छा, एक समस्या ये भी है, ये सारे गांव नदी के किनारे, रामगंगा के किनारे हैं। कितनी नदियों का यहाँ मिलन होता है यहाँ पे? यहाँ तो आगे भेला है, कोसी, फिर आगे भेला को उसका मिलन है यहाँ, इस वजह से ज्यादा परेशानी होती है। जब भेला का पानी जब आता है तो पानी वापसी मारता है, पानी ज्यादा आता है, जब नदी चलती है तो पानी हर गाँव में घुसता है।